हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड वी ऑब्टेन डिफरेंट सेट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि हम एक्टिविटी 2.2 जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने क्या देखा था कि डिफरेंट सेट ऑफ सॉल्यूशन। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड। जो हमने यहाँ पे सॉल्यूट एंड जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट हैं वो भी हम देख चुके थे कि जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कि जो सॉल्यूट होता है जो स्मॉल अमाउंट में होता है जो कि सॉल्वेंट में घोला जाता है या सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है, जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है। इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, और जो अमाउंट होता है सॉल्यूट का वो डिपेंड करता है सॉल्यूशन पे घोलने पे कि जो सॉल्यूट का अमाउंट है कितना डालना है सॉल्यूशन में। इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट कंसंट्रेशन और अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से जो हम जो सॉल्यूट है सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे या जो सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो इस तरीके के जो सॉल्यूशन बनेंगे वो हमारे डाइल्यूट कंसंट्रेशन या फिर सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है वो बनेगा। अब यहाँ पे जो डाइल्यूट कंसंट्रेशन होता है जैसे कि नींबू पानी हो गया, तो इस तरीके के जो कंसंट्रेशन होते हैं वो कैसे होंगे, आपके यहाँ पे डाइल्यूट होंगे, जबकि जो यहाँ पे देखा जाए सैचुरेटेड होते हैं, मतलब वो उसमें अमाउंट ज़्यादा होता है। जैसे कि नींबू पानी में नींबू कम होगा लेकिन जो सैचुरेटेड में है उसमें ज़्यादा अमाउंट में होता है कि आप उससे ज़्यादा और नहीं घोल पाएंगे। तो जैसे एक्टिविटी है, इसमें एक्टिविटी में क्या दिया गया है कि टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml वाटर ऑफ ईच इन टू सेपरेट बीकर्स। यहाँ पे टू सेपरेट बीकर्स लिए गए जिनमें 50 ml वाटर लिया गया, और उसमें उन्होंने क्या क्या मिक्स किया है, सॉल्ट शुगर एंड वेरियम क्लोराइड को इन्होंने इसमें मिक्स किया है और कंटिन्यू उसको हिलाया है। इसके बाद इन्होंने क्या बताया कि कैसे डिजॉल्व करेंगे, कि यदि आपने 5 degree Celsius यदि इन्होंने टेम्परेचर दिया तो वो ज़्यादा जल्दी ही डिजॉल्व कर जाएंगे। यदि आप नॉर्मल टेम्परेचर है और यदि आपने थोड़ा सा बढ़ा के टेम्परेचर दे दिया तो उसमें जल्दी से क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और वेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट द गिवन टेम्परेचर द सेम। अब यहाँ पे जैसे कि सॉल्ट शुगर और वेरियम क्लोराइड है, यदि वाटर में जो आपने टेम्परेचर दिया है तो वो वहाँ पे जल्दी ही डिजॉल्व हो जाएंगे एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर। सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व एच मच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यदि आप पर्टिकुलर टेम्परेचर देते हो किसके लिए, अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग। यदि आप जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यदि आप जो सॉल्यूट है यदि आप पर्टिकुलर टेम्परेचर देते हो तो जो सॉल्यूट है सॉल्यूशन में वो मिक्स हो जाएगा जितनी उसकी कैपेबल है डिजॉल्विंग होने की। तो इस सेट टू वी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे कि अदर वर्ड्स में यदि देखा जाए कि सॉल्यूट है कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन, यदि आपने एक टेम्परेचर दिया हुआ है और इसमें जो सॉल्यूट है सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो सकता है तो हमने इसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा है। क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर द कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। और यह क्या होती है कि जो सॉल्यूट सॉल्यूशन में मिक्स हो रहा है उसे हमने बोला है जो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी होती है। इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट्स इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल इट इज़ अ कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड क्या है कि जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट हम मिक्स कर रहे हैं यदि अब उसकी कैपेसिटी नहीं है और ज़्यादा मिक्स होने की तो हम उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कि व्हाट वुड हैपेंस इफ यू वर टू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। वी कैन इनफर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट द सेम टेम्परेचर। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट मास ऑफ और मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब जो आप यहाँ पे इन फॉर्मूला दिए गए हैं, फॉर्मूला किस चीज़ के दिए गए हैं नीचे कि अब आप मास वाय मास कैसे निकाल सकते हैं, मास वाय वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो इन चीज़ों के यहाँ पे फॉर्मूला दिए गए। जैसे कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन
अब जो नेक्स्ट है इसका है कैसे कि मास बाय मास यदि आपको निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यदि आपको मास बाय वॉल्यूम निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरीके से जो आपका यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है वो क्या है कि यहाँ पे सॉल्यूशन कंटेंट्स 40 ग्राम दिया गया है एंड यहाँ पे क्या है तो मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे 40 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट जो यहाँ पे सॉल्वेंट है जो वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है 320 ग्राम है, वो कितना लिया है 320 ग्राम है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है मास वाय मास, मास वाय मास परसेंटेज। अब मास वाय मास का जो फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट वाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या दिया है कि सॉल्वेंट, तो आपको सबसे पहले सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा इसलिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40 ग्राम प्लस 320 360 आ गया। अब इसको हम इसके फॉर्मूले में रख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट मतलब 40 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन 360 इनटू 100, तो जो आप इसको क्लियर करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 11.1। थैंक यू।